पूरे प्रतापगढ़ विधानसभा में चुनावी माहौल बन चुका है। इसी माहौल के बीच में प्रतापगढ़ विधानसभा में आज हमने और यहाँ प्रतापगढ़ विधायक रामराज मीणा से बातचीत कर रहे हैं। हम जानना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस ने गारंटी कार्ड घोषित किया है उसके पीछे क्या कुछ मंशा है, और जो गारंटी कार्ड है उसके माध्यम से जो कांग्रेस है वो क्या कुछ जनता को देने वाली है, और क्या कुछ इस गारंटी कार्ड की विशेषता है जिसके चलते इसको एन चुनाव पर घोषित किया गया है। तो क्या है वो गारंटियां जो यहाँ पर अगर सरकार बनती है तो उसके बाद लागू होने वाली है, तो जानते हैं प्रतापगढ़ विधायक रामराज मीणा से। सबसे पहला सवाल के सर क्या है गारंटी योजना, क्या कुछ इसके तहत जनता को मिलने वाला है? मेरा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कि 5 सालों के अंदर 10 गारंटियाँ हमें पहले दे चुके हैं, जैसे 25 लाख का इलाज योजना के अंदर, 10 लाख योजना में आपके पास काम करने योजना के अंदर 40,000 गायकों से मदद उसके लिए था। उसके बाद में बिजली जो रोजगार यूनिट थी, बच्ची बिजली थी, खेती बिजली थी, उसमें पेंशन 500 रुपये, गैस सिलेंडर 500 रुपये, खाद्य चीज दो नमन मसाला, ये सारी सुविधाएं तो हम पहले दे चुके हैं 5 सालों बाद में। अब फिर माननीय मुख्यमंत्री को आ गया राजस्थान सरकार कांग्रेस की बनती है, तो मैं सबसे पहले सरकार कांग्रेस बनते ही सबसे पहले तो हम ये मुख्यमंत्री जो कांग्रेस गांधी साहब गारंटी दे रही हूँ, साहब गांधी में गृहलक्ष्मी के तहत 10,000 रुपये प्रति महीना के अपने साथ भी डाले जाएंगे। उसके बाद गूगल जो है 2 रुपये खरीदा जाएगा, 500 रुपये की बुकिंग मिलेगी, आपदा के अंदर किसी का मकान मिल जाता है तो ज्यादा 15 लाख रुपये उनकी दी जाएगी। ऐसी जो योजना है लागू करके प्रदेश की महिलाओं को सबको माने मिलेंगे। ओपीएस में भी आप देख लो, कांग्रेस सरकार ने ओपीएस को लागू किया और आज भारतीय जनता पार्टी ओपीएस बंद करने काम करती है, तो कांग्रेस की रही है कांग्रेस सरकार आना बनेगी। ओपीएस का भी एक अधिनियम लागू कर रहे हैं, कानून लागू करने में और पुलिस की सरकार उसको रोकने का है, इसलिए कांग्रेस काम विश्वास करती है। 5 साल तक काम की 5 साल बाद फिर सरकार बनी, सरकार बनी 5 साल तक काम की। जैसा कि लगातार माहौल है और आप दूसरी बार चुनाव जीतने की जो बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है इस बार यदि आप दूसरी बार विधायक बनते हैं तो क्या आपको मंत्री पद से नवाजा जाएगा, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो 5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की मेरे पे और प्रतापगढ़ जनता पे विशेष मेहरबानी थी, इसीलिए तो साथ साथ पूरे स्कूल में मेरी बत्ती साल में हमदा जी ने एक क्योंकि पंचायत समिति दो पैसे का एक उत्तर कार्य में नगर पालिका 16 स्टेट हाईवे राजस्थान में क्यों जो बेटी लोग वार्ड में मुख्यमंत्री के जोधपुर जिले में एक शिक्षा मंत्री की जोधपुर जिले में तीसरा प्रतापगढ़ जिले के अंदर बेटी लोग वार्ड में है, मेडिकल कॉलेज को राज्य में से माननीय मुख्यमंत्री ने 2,500 करोड़ रुपये का लोन लेकर किया है, इतने सारे काम माननीय मुख्यमंत्री ने किए हैं कि मैंने समझता मुझे मंत्री पद कर सकते। तो ये काफ़ी अच्छी इन्होंने बात कही है कि मंत्री पद तो जनता देती है, यदि सरकार बनती है और इन्हें मंत्री पद मिलता है ये तो बात की बात है। फिलहाल ये प्रतापगढ़ विधायक जो है वो अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच में हमने इनसे गारंटी कार्ड के बारे में जाना है, क्या कुछ गारंटी कार्ड सरकार देने वाली है, कुछ और खास प्रतापगढ़ की जनता के नाम संदेश देना चाहें? प्रतापगढ़ जनता के नाम से यही संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है उसको प्रतापगढ़ की जनता 2018 में हटा चुकी है, उसको रिजेक्ट कर चुकी है और उसी रिजेक्टेड माल को वापस भारतीय जनता पार्टी ने फिर लॉन्च किया है, क्योंकि जनता 5 साल इसमें तो प्रधान बना के देख लिया है, 5 साल में दिवाली में जिला बना के देखी है और इस पूरे परिवार को 1977 से लगातार जो रही है, कभी मंत्री कभी सांसद कभी विधायक, उसके बाद भी क्षेत्र में आज भी खाते में तकलीफ थी, लाइटें आगे में थी, बिजली मीटर बिल बड़े बड़े आदमी थे, किसानों में डिग्री उठा करके चले जाते थे, आज 48 घंटे 72 घंटे के अंदर गली में डिग्री मिल रही है, फ्री में मिल रही है, इलेक्शन टाइम पर हो रहा है, बिजली का बिल बनाने पड़ रहा है, घर का बिल बनाने पड़ रहा है, तो किसान सब तरफ से खुश है, इसलिए रिजेक्ट के माल को इस बार फिर रिजेक्ट करके जनता भेजेगी और मुझे विधानसभा में कार्य। तो ये जो प्रतापगढ़ विधायक रामराज मीणा जी ने कहा है कि प्रतापगढ़ में जो कांग्रेस का परचम वो लहराने वाला है।